आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस स्पेशल इटालियन कसाटा केक की रेसिपी का पार्ट वन। इसमें हम रेडी करेंगे केक के डिफरेंट फ्लेवर के स्पॉन्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मोल्ड रेडी कर लेंगे। केक मोल्ड रेडी हो चुका है, अब हम इसे रखेंगे एक साइड में। ये लिया है हमने एक मिक्सिंग बोल, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क। ये मिल्क रूम टेम्परेचर पर है। 2 टेबल स्पून अनफ्लेवर्ड ऑयल, 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स बनकर तैयार है। ये लिए हमने एक छन्नी, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। अब इन सभी को हम इस तरह से छान लेंगे जिससे कि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ और लंप फ्री बैटर बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस, 1/4 लेमन फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कलर डालना इसमें ऑप्शनल है, पर हमने इसके अंदर कलर इसलिए ऐड किया है ताकि ये हमें पाइनएप्पल फ्लेवर जो हम बना रहे हैं तो ये कलर भी हमें पाइनएप्पल जैसा ही दिखाई दे। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर या 1 टीस्पून लेमन जूस और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे मिक्स करेंगे। केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इमिडिएटली इस केक के बैटर को हम ट्रांसफर करेंगे इस केक मोल्ड में। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को 8 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई प्रीहीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम रखेंगे ये केक वाला मोल्ड और इसे कवर करके 25 टू 30 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। केक को बेक होते हुए एग्जैक्टली 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये लिए हमने टूथपिक, इसे हम इस तरह से प्रिक करेंगे। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल कर बाहर आई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस केक मोल्ड को कढ़ाई से निकाल कर बाहर रख लेंगे। अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक। इसके लिए हमने बेस रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस और 2 से 3 ड्रॉप रेड फूड कलर। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर और इसे लाइट हैंड से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पिस्ता फ्लेवर केक। इसके लिए बेस हमने रेडी कर लिया है। बेस सबका सेम ही रेडी होगा जैसा कि हमने पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए रेडी किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिस्ता एसेंस और 3 से 4 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर और इसे लाइट हैंड से मिक्स कर लेंगे।
अब हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर्ड केक। इसके लिए इस केक के बैटर में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मैंगो एसेंस, 4 से 5 ड्रॉप इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस केक के बैटर में मैंगो कलर लाने के लिए हमने ऑरेंज फूड कलर के साथ ही इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऐड किया है लेमन फूड कलर, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारा मैंगो कलर का बैटर बनकर तैयार है। अब इस केक के बैटर में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर और इसे लाइट हैंड से फोल्ड कर लेंगे। अब हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर्ड केक। इसके लिए हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। आप चाहे तो आप यहाँ पर किसी डेयरी मिल्क या किसी भी चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कसाटा केक बनाने के लिए हमने केक के स्पॉन्ज बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये केक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस केक की कम्प्लीटली डेकोरेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो वेट कीजिए पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए ओके बाय बाय सी।